सामने देख सकते हैं मंदिर का रंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पे हम लोग चल रहे हैं मनगढ़ यानी भक्ति धाम, यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पे कुंडा प्रतापगढ़ में। तो यहाँ से भक्ति धाम मंदिर 11 किलोमीटर है। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए मनगढ़, और हमारे यहाँ से यानी शहर से 56 किलोमीटर है ये भक्ति धाम मंदिर। तो आ गए हम लोग पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, और पीछे शौचालय है यहाँ पे, अगर दूर से आ रहे हैं तो यहाँ पे रिलैक्स हो सकते हैं। तो ऐसे एंट्री प्रारंभ होगी, यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। और ये भाई साहब लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, यहाँ पे विधवत शिफ्टर उधर है, हाँ विधवत, यहाँ पे जेंट्स इधर है, सब बताइए विधवत। हाँ, सिगरेट गुटखा बीड़ी सब यहाँ पे रख दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे निशुल्क है, यहाँ से व्हील चेयर ले सकते हैं बुजुर्गों के लिए जो लोग चलने में असमर्थ हैं। दोनों तरफ हरियाली, और जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए यानी सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे कृष्ण जी सारथी अवतार में हैं और अर्जुन को कुछ संदेश दे रहे हैं। यह है कृपालु महाराज जी के तीन पुत्रियाँ जो इसकी अध्यक्षा है। तो यहाँ से जैसे प्रवेश करेंगे आपको भव्य मंदिर का दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर लिए हैं, और यहाँ तक तो जूता चप्पल अलाउ है, इसके बाद आपको जूता चप्पल निकालना होगा। यहाँ पे सेवा उपलब्ध है जूता चप्पल देने के लिए फ्री ऑफ चार्ज। तो हम लोगों को झोला मिल गया है और इसमें टोकन भी है। जूता चप्पल देने के बाद टोकन आपको संभाल के रखना होगा। आने के बाद प्रतीक्षालय भी है, वेटिंग हॉल, यानी आप अगर दूर से आए हैं, मंदिर परिसर अगर बंद है तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं मंदिर खुलने का। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इधर मंदिर का दर्शन हो जाएगा, इधर झांकियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको झांकी दिखाते हैं। इधर चलेंगे हम लोग झांकी के लिए। यहाँ पे कृष्ण जी के बचपन की नटखट गोपाला बनाया गया है। यहाँ पे कृष्ण जी क्रीड़ा करते हुए, यहाँ पे कृष्ण जी बांसुरी की धुन सबको सुनाते हुए। मंदिर है और मंदिर के सामने ये सब झांकियाँ। बोले स्त्री राधे राधे। तो यहाँ पे सारे श्रद्धालु आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, जितने भी झांकियाँ बनी हुई है झांकियों के बीच में अपना फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। और यहाँ पे बड़े से स्क्रीन पे राधे कृष्ण जी को दिखाया गया है, तो स्क्रीन पे ये चलता रहता है। और सामने आपका भक्ति भवन है, ये भक्ति भवन है, और भक्ति मंदिर वहाँ पे। और ये मेरे राधे दिवस के अवसर पर ये सजाया गया था। चलिए जगत गुरु कृपाल परिषद में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन किया जा रहा है 100 ईयर्स पे। बताते चले आपको कि कृपालु जी महाराज का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को हुआ था। तो 1922 को हुआ था तो 2022 में 100 साल पूरा हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेशन किया जा रहा था। और ये जो परिसर है ये 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि कृपाल जी महाराज का ये यहीं पे घर था, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो ये परिसर उनके घर पे ही बनाया गया, मंदिर का निर्माण उनके घर पे ही हुआ। तो धीरे धीरे क्षेत्रफल बढ़ता गया।
यहाँ पे कृपाल जी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, उनका भक्ति भजन। यहाँ पे झांकियाँ बहुत सारी हैं, किनारे किनारे मंदिर के चारों तरफ झांकियाँ ही बनाई गई हैं। तो ये देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण जी और साथ में ब्रजवासी। यहाँ आने के बाद एक अलग ही फील आती है, एक अलग ही वाइब आती है और एक श्रद्धा का भाव उमड़ता है। इस मंदिर का निर्माण चल रहा था और वो वाला मंदिर बन चुका था, ये भी बन चुका था, तो अब परिसर बड़ा हो गया है, लगभग 3 किलोमीटर। यहाँ पे 2023 का स्वागत हुआ है और ये जैसे देख रहे हैं कि गमले में फूल लगाए गए हैं, छोटे छोटे गमलों में फूल लगाए गए हैं, वैसे बनाया गया 2023। झांकी चलने का समय है 6 से 8। यहाँ पर एक से एक मनमोहक झांकियाँ बनाई गई हैं जो अपने तरफ आकर्षित करती हैं। यहाँ पे आने के बाद मन पूरा गदगद हो जाता है, मन पूरा भक्तिमय हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं झांकी। यहाँ पे देख सकते हैं झांकियाँ चल रही हैं। पीछे देख सकते हैं जगत गुरु कृपाल महाराज परिषद है, यहीं से संचालन होता है, परिषद ही देखरेख करता है, जिस परिषद का संचालन तीनों बहनें करती हैं। फिर आगे हम लोग जहाँ से झांकियों के लिए प्रवेश किए थे, अब यहाँ से हम लोग मंदिर के लिए जाएंगे, भक्ति मंदिर। महाराज जी से जुड़ी हुई ऑडियो, साहित्य, वीडियो, मूर्तियाँ, गिफ्ट आइटम ले सकते हैं। तो यहाँ पे झांकियाँ देख सकते हैं, झांकियाँ और कुछ खिलौने और कृष्ण जी के लिए झांकियाँ वगैरह ले सकते हैं, मूर्तियाँ हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी गोविंद रमाइए। एक नज़र यहाँ के समय सारणी पे, इस प्रकार रही 8:30 से 11, फिर 1 से 8, आरती का समय है 4:30 बजे। अब हम लोग मुख्य परिसर में आ गए हैं, तो परिसर में ही कुछ गर्म वस्त्र आपको मिल जाएंगे, गर्म कपड़े मिल जाएंगे, जैसे पीछे देख रहे हैं, तो पीछे कैप वैप है, सब दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ होती हैं सीढ़ियाँ मंदिर जाने के लिए और भक्ति मंदिर, अभी लाइट नहीं जली हुई है, यही चलते हैं फिर मंदिर में। बताते हैं अभी 5 बज रहा है, 5:10 हो रहा है, तो चलते हैं। आज गलन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नहीं तो और ज़्यादा भीड़ होती है। हालांकि भीड़ तो है, पर्याप्त भीड़ है, लोग यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये मुख्य मंदिर में चलते हैं, यहाँ से प्रवेश करते हैं। ये जो आज गलन की वजह से ये पत्थर जो है पूरा ठंडा ठंडा। तो मंदिर कुछ इस प्रकार है, पीछे भी आपको ऐसे मकान बने हुए दिख जाएंगे, मंदिर परिसर ही है। अंदर तो वीडियो बनाना, फोटो खींचना अलाउ नहीं है, क्योंकि उन्हीं के चैनल पे, नेट पे ही उपलब्ध रहेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है, ऊपर से आदेश कराना पड़ेगा। तो बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। बाकी ये भक्ति भवन है और ये नज़ारा रहा है, लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। इस मंदिर की नींव विश्व के 5वें जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज 26 अक्टूबर सन 1996 को रखी थी। ये मंदिर वर्ष 2005 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे श्री कृष्ण लीला दर्शन आप कर सकते हैं। इस मंदिर की डिजाइन अहमदाबाद के मशहूर आर्किटेक्चर द्वारा की गई है, जो स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। आइए दूसरी तरफ देखते हैं, कृष्ण लीला दर्शन दूसरी तरफ भी कर लिया जाए। ये महाराज जी का लीला दर्शन देख सकते हैं। We'll be right back.
तो मंदिर के छतों एवं दीवारों की भव्य नक्काशी कलाकारों के हाथों से की गई है, जो कि आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मंदिर की ऊंचाई 108 मीटर है। दुनिया का ये पहला ऐसा मंदिर है जिसके पिलर्स ग्रेनाइट के बनाए गए हैं, यानी ग्रेनाइट्स के पिलरों पर एक खड़ा मंदिर दुनिया का पहला मंदिर है। और इसके दीवारों पर मकराना मार्बल लगाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारें गुलाबी बलुई पत्थरों से बनी हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आइए फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अब 5:30 बज गया है, काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, मौसम भी ख़राब है। मौसम ख़राब की वजह से हम लोगों को निकलना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे यहाँ का जो दृश्य है, मन मोहने वाला दृश्य, जाने के लिए तो नहीं कह रहा है, अपनी तरफ आकर्षित किए हुए है। यहाँ का नज़ारा सामने देख सकते हैं, मंदिर का रंग यानी लाइटें बदलती रहती हैं, तो यहाँ का दृश्य जो है बड़ा ही मनमोहक है। और अपने तरफ देखिए, इसका रंग बदल गया, अपने तरफ आकर्षित किए हुए है। यहाँ पे जाने का तो मन नहीं है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद लगता है कि काफ़ी वक्त यहाँ पे गुजारे हैं। देखिए काफ़ी भीड़ लगी रहती है। दोनों तरफ एक ही लाइट जलती है साथ साथ, कभी आसमानी, कभी गुलाबी, कभी लाल, कभी नीली। ये मंदिर रंगीन लाइटों से हमेशा नहाता रहता है। तो इस खूबसूरत और रंग बिरंगी नगरी से हम लोग निकल रहे हैं स्थल से। रात्रि में लाइटिंग का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है। ऐसा लगता है कि सारे मंदिर को लाइटिंग से नहलाया गया है। इधर आपका कैंटीन एरिया है, मंदिर के जस्ट दाहिने कैंटीन एरिया। यहाँ पे आप नाश्ता पानी जलपान कर सकते हैं। बोलिए श्री राधे राधे। चलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब रात्रि का समय हो गया है, चूँकि कोहरा है। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, आप लोग जब भी आइए कम से कम 2 घंटे का समय लेकर आइए, और 2 घंटे से अधिक समय लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे आप लाइटिंग का नज़ारा देखिए, दर्शन करिए पूरा विधिवत, यहाँ पे झांकियाँ देखिए, तब तो यहाँ का आनंद आएगा। और यहाँ पे एक एक चीज़ें एक्सप्लोर करने लगेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। एक एक चीज़ अपनी नज़रों से पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो नज़ारा देखेंगे लाइटिंग का, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यानी आप ठंडक के समय में तो 6 बजे निकल सकते हैं, लेकिन गर्मी में 8 बजे तक आप आराम से यहाँ पे समय व्यतीत कर सकते हैं और दर्शन बाकायदा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।